आज मैं अपने को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट आयरन आर्मर में। और भाई ये है माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 2। तुम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में बहुत ज्यादा ही अच्छा प्यार दिखाया, तो भाई तुम लोगों को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लास्ट वाली वीडियो में तुम लोगों ने 35 लाइक्स किए, तो इस वाली वीडियो में 40 लाइक्स का गोल है, तो फटाफट से अभी इसको कंप्लीट कर देना। तो चलो अभी फटाफट से इस गेम प्ले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और भाई आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करो। ओके गाइस, तो स्वागत है तुम लोगों का भाई मेरे इस रामपुर के वर्ल्ड में। ओके, तो फटाफट से भी मेरे को जाना है माइनिंग के लिए, तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं। लेकिन उससे पहले भाई क्यों ना थोड़ा बहुत खाना को इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि अभी तुम लोग देख सकते हो अभी मेरा हंगर बार भी बहुत ज्यादा ही कम है। तो चलो अभी फटाफट से भाई खाना इकट्ठा करने चलते हैं। और अभी अपने पास बस एक ही फिश है भाई, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गिला। चलो कोई नहीं भाई, फटाफट से अभी इसको खाते हैं और चलते हैं। ओके, तो अभी मैं आ चुका हूँ भाई यहाँ पे खाना इकट्ठा करने के लिए, मतलब भाई यहाँ पे फिश वगैरह मारने के लिए। फटाफट से इन सारी फिश को अभी मैं मारने वाला हूँ। और भाई यहाँ पे देखो डैमेज पड़ने लग गया था। चलो कोई नहीं, फटाफट से इन सबको मारते हैं। ओके गाइस, तो फटाफट से इन सबको मारते हैं और भाई चलो यहाँ पे खाना इकट्ठा करते हैं। A few moments later. ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास पूरे 3 फिश आ चुके हैं, तो फटाफट से अभी मैं इनको खाने वाला हूँ और अपना भाई थोड़ा बहुत हेल्थ बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं दोबारा से आ चुका हूँ फिश को मारने के लिए, क्योंकि भाई अभी मेरे पास खाने की बहुत ज्यादा कमी हो रखी थी और भाई यहाँ पे मैं मर गया। ओके, तो भाई चलो अभी चलते हैं फटाफट से माइनिंग के लिए। लेकिन उससे पहले भाई अभी अपने पास टूल्स नहीं है, तो फटाफट से यहाँ पे सारे टूल्स बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी एक पिकेक्स बना लेता हूँ और भाई यहाँ पे एक शवल बना लेते हैं। चलो भाई अभी मैं रेडी हूँ माइनिंग के लिए। लेकिन अब भाई तुम लोगों को लगेगा कि मैं कहीं दूर जाने वाला हूँ केव में माइनिंग करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी अपने बेस पे ही माइनिंग एरिया बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मुझे केव से बहुत ज्यादा ही डर लगता है। बस हवा निकल गई। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे बहुत देर से माइनिंग कर रहा हूँ और भाई मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो चलो फटाफट से यार यहाँ पे सारे जितने भी कोल पड़े हुए फटाफट से अभी मैं इनको कलेक्ट करने वाला हूँ और भाई मिलते हैं माइनिंग के बाद। गाइस, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने सारे कोल्स को इकट्ठा कर लिया है और भाई यहाँ पे बहुत नीचे मैं आ चुका हूँ। मैं जस्ट बेडरॉक के ऊपर यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको मिलता हूँ आयरन मिलने के बाद। A few moments later. One hour later. 2000 years later. गाइज, यहाँ पे माइनिंग करते करते बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी थी, मतलब भाई यहाँ पे 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। और मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ एक केव में, जहाँ पे मुझे रेडस्टोन, लैपिस लाजुली और भाई मेरे को आयरन मिलता है। तो मैं फटाफट से इन सारी चीजों का कलेक्ट करता हूँ और भाई मैं आ जाता हूँ अपने बेस पे। बेस पे आते ही मैं देखता हूँ कि भाई मेरे यहाँ पे वीट ग्रो हो चुके हैं, तो मैं फटाफट से इन सारी वीट्स को कट करता हूँ और भाई इन सबको कलेक्ट करता हूँ और मैं फिर से भाई यहाँ पे फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। फार्मिंग कंप्लीट होते ही मैं यहाँ पे फटाफट से अपने आयरन के आर्मर को बनाता हूँ और भाई मैं उसको फटाफट से पहन लेता हूँ। चलो गाइस, आज की सब वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। और भाई यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो भाई फटाफट से माइनक्राफ्ट OP कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।